देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इनकी मूल वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ रही है। व्यापारी के साथ आम जनजीवन त्रस्त है, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी की समस्या मुँह बाए खड़ी हुई है। इन सब मांगों को लेकर के हमारा देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान और शहर का नौजवान बेरोजगारी की कगार पर है। उसको 2 करोड़ रोज़गार देने का जो वादा किया गया था, आज लोग आत्महत्याएं करने पर उतारू हैं, किसान हमारे आत्महत्याएं कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ज्वलंत मुद्दा डीजल और पेट्रोल की मूल वृद्धि को लेकर के है, जिसको लेकर के भारत बंद का आह्वान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। आज कानपुर में भी हम लोगों ने व्यापारिक संगठनों से मिल करके बाज़ार बंद करने की मांग की थी, उनसे अनुरोध किया था। और ये हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने व्यापारिक संगठनों को कि जिन्होंने हमारी बात को मानते हुए आज पूरे शहर में व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। और अगर देश और प्रदेश की सरकार जनहित के मामलों में, उनकी समस्याओं के मामलों में ध्यान नहीं देती है, तो कांग्रेस जन चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर इसी तरीके से संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। हम लोगों की मांगे ये हैं कि जो गैस, डीजल, तेल, ये सब के दाम बढ़ गए हैं, जो डॉलर गिर रहा है, हमारे देश का इकोनॉमी गिर रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और हमें बहुत तकलीफ़ है अपने देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री से, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों में अगर 1% ये खरा उतरते तो शायद हम लोगों को तसल्ली होती। काला धन करते हुए नोटबंदी कर दी और लोगों को, गरीब आम आदमी की जेबों में डांका डाल दिया और काला धन आज भी वापस ये नहीं ला पाए। 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख तो छोड़िए, जो गरीब जनता के खातों में पैसा था वो भी सील कर दिया गया, ये कहाँ का न्याय है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये लोग विरोध करते थे और आज हम लोग आटा 24 रुपये किलो ले रहे हैं और सिलेंडर हमारा 700-800 रुपये में पहुंच गया है। तो एक गरीब आदमी कहां तक कैसे झेलेगा ये समझ में नहीं आता। आज किसान भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है क्योंकि डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कैसे वो क्या करेगा समझ में नहीं आता। हमारा विरोध दर्ज है कि कम से कम भाजपाइयों को सोचना चाहिए, ये जुमलेबाज शाह जी को और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जुमलेबाजी छोड़ करके अभी भी जो कार्यकाल इनका बचा है उसमें कोई तो वादा निभाने की कृपा करें। बस यही हमारी अपील है उन लोगों से, अगर वो नहीं पूरे करेंगे तो हम इसका विरोध हर रूप में दर्ज कराने में सक्षम हैं, हम रोडों में उतर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन पेते।